Good morning students, welcome to Shiv by Classes. Today our topics are from class 10th chapter Control and Coordination. First term is synapse. This is a gap between the nerve ending of one neuron and dendrites of other neuron. Fine. See, these are dendrites. Fine, and this is a cell body having nucleus, and this part is axon, which transmits signal from cell body to the nerve ending, and these are nerve ending, and this is another neuron. It is also having dendrites which receive the signal from the first neuron. Fine, via synapse. This green color represent here synapse, and it transmits electrical signal into chemical signal, then give it to dendrites of the other neuron. Fine. देखो, आज का हमारा टॉपिक है synapse. बहुत सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे. synapse में क्या होता है? ये गैप होता है एक नर्व एंडिंग के एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ, बट जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन है उसकी नर्व एंडिंग कनेक्ट होगी किसके साथ? जो सेकंड न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से. इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रिक एम्पल्स या नर्व एम्पल्स क्या होता है? कंडक्ट होता है. ठीक है, फिर वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाता है हमारे, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये आगे हम देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज अ क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्टिमुलस. स्टिमुलस मैं बता चुकी हूं क्या होता है, वीडियोस में देख लेना. फॉर एग्जाम्पल, नी जर्क, हॉट ऑब्जेक्ट, विड्रॉल ऑफ हैंड. फाइन, देखो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या, एकदम से जो रिस्पॉन्स जाता है. अब मैं क्या कर रही हूं, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे पास में गर्म चाय रखी है, गलती से मेरा हार्ट टच हो गया, तो मैं एकदम से क्या करूँगी, आई विड्रॉ माई हैंड. क्यों? क्योंकि स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है वो गर्म चाय. ठीक है, वो जो टच हुई है मेरे हैंड से वो क्या है? स्टिमुलस है. मेरी बॉडी को स्टिमुलस मिला, फटाफट से स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, उसने कहा हटा इसको नहीं तो हाथ जल जाएगा. बहुत बार बता चुकी हूँ एग्जाम्पल में. नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क. ये क्या है? इट इज अ पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, अब सिंपल से एग्जाम्पल है, अगर मैं अपने घर से मार्केट तक जाती हूँ, ठीक है, जिस रास्ते से मैं जाती हूँ दैट इज रिफ्लेक्स आर्क, और जिस रास्ते से मैं वापस अपने घर को आती हूँ, ठीक है, तो वो क्या है? रिफ्लेक्स आर्क. एग्जाम्पल है ना, कि पाथवे जिसके थ्रू ये सिग्नल्स जाते हैं और वापस स्टिमुलस तक आते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स आर्क. फॉर एग्जाम्पल, स्टिमुलस हीट को क्या किया? गर्म चाय को टच किया, स्टिमुलस मिला मेरी बॉडी को. रिसेप्टर्स मेरी बॉडी में प्रेजेंट है. स्किन क्या है? रिसेप्टर ऑर्गेन है, ठीक है, और सेंस ऑर्गेन भी है. उसने फिर फटाफट से क्या किसके पास सेंड किया? न्यूरोन के थ्रू, वाया न्यूरोन. ये न्यूरॉन्स लेके जाते हैं स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड से फिर कहां मिलेगा? एफेक्टर ऑर्गेन, मसल्स पर, कि अपने हाथ को हटाओ. ठीक है, हैंड्स की मसल्स के पास जाएगा, ठीक है, और फिर रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं अपना हाथ हटाऊंगी. ठीक है, रिस्पॉन्स कितने तरीके होते हैं? दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज वॉलेंट्री, सेकेंड इज इनवॉलेंट्री, एंड द लास्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन. दिस वॉलेंट्री response is in our control. Fine. And second is involuntary response. This is controlled by mid and hind brain. You can't control it. Fine. Next, reflex action. This is कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड. देखो, जो वॉलेंट्री मसल है उसको फोर ब्रेन करता है, लेकिन अब मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं सोच समझ के बात कर रही हूं, तो ये क्या है? ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में, इन द सेंस
मैं कंट्रोल अपने पे कंट्रोल करके बोल रही हूँ, ठीक है। अब मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया, ठीक है, या बहुत ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एकदम से वहां से भागूंगी ना। तो ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री है, ये सब ये रिफ्लेक्स एक्शन है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय फॉरब्रेन, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग राइटिंग, फाइन। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री, दिस रिस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय मिड एज विल एज हैंड ब्रेन लाइक हार्ट बीट, यू कैंट कंट्रोल योर हार्ट बीट, फाइन। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग रेस्पिरेशन, ठीक। थर्ड इज रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड, अगर मैं किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती हूँ सडनली अपना हैंड विदड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।